आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पर कौड़ियाला घाट से हजारों की संख्या में भक्त नगर कीर्तन के साथ निकले। नगर कीर्तन कौड़ियाला से चलकर निघासन बभनपुर, पलिया महंगापुर, पलिया भीरा, मैलानी होकर पूरनपुर गोमती गुरुद्वारा में विश्राम करेंगे। इस नगर कीर्तन का समापन 9 अक्टूबर 2018 को अमावस्या के दिन सुल्तानपुर जिला कपूरथला पंजाब में होगा। इस मौके पर बम्हनपुर गुरुद्वारे पर मौजूद मलकी सिंह व बलजिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह व हरजिंदर सिंह व कलविंदर सिंह और भारी संख्या में मौजूद रहे लोग। लखीमपुर खीरी से रमाकांत दीक्षित की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। ये करीबन सब यहाँ से कौड़ियाला घाट से होते हुए कुछ अपने निघासन होते हुए बम्हनपुर गुरुद्वारे, गहरा गुरुद्वारे और महंगापुर से फिर ये किरानम कजरी फार्म जाके रात को विश्राम करेगा। इसके बाद कल फिर पुनः नानक मता के लिए रवाना होगा। फिर आगे से जाते जाते ये नगर कीर्तन अमृतसर गुरुद्वारे पहुँचेगा। ये बाबा जी एक और जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम कितने दिन का है? ये कार्यक्रम इस वक्त प्रारंभ है 500 साल दिवस को मनाते हुए। ये कल से आज से प्रारंभ करा गया है कौड़ियाला घाट तक, करीबन एक दो वर्ष तक या एक वर्ष तक चल रहा ही रहेगा। इसको जाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। ये इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे? इससे पहले भी 500 साल खालसा दिवस मनाया गया था, उसमें भी गुरुद्वारा यानी या पटना साहब से ये भी करीबन आनंदपुर साहब के लिए रवाना किया गया है। उससे पहले भी ये कीर्तन करा गया था हजूर साहब से। इसी तरीके से जैसे जैसे आगे से गुरु संगत बढ़ती जाएगी, हमारे गुरु सिख बढ़ते जाएंगे, इसी तरीके से प्रचार करेंगे। ये नगर कीर्तन इसी तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। ये नगर कीर्तन का समान सब यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर है। इसमें कोई भी योगदान ये नहीं कि ऊंच नीच को नहीं, सभी जाति पाति एक ही धर्म अपने अपने कामयाब रहे। अगर कोई गुरु सिख है वो गुरु ग्रंथ साहब को ही माने, अगर कोई हिंदू भाई है वो राम पर रहे, कोई मुसलमान है वो अल्लाह ईमान अपने अल्लाह भाई, कोई वो है गॉड, अगर कोई अंग्रेज है वो गॉड पर ही निर्भर है। यानी हमारा जो सिख समाज है ये कहता है कि अपने अपने धर्म में परिवर्तन ही रहो। ये नहीं कि हम कह रहे कि तुम हिंदू भाई हो गुरसिख बन जाओ, तुम मुसलमान हो गुरसिख बन जाओ, या हिंदू भाई ये कहें कि तुम मुसलमान मत हो जाओ हिंदू, ऐसा कोई भी हमारे इसमें नहीं है। ये जो खालसा दिवस पंथ है ये सबका एक सा ही है।